राधे राधे गुरुजी जी। राधे राधे। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरे तीन प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मेरे पापा गंगा सागर गए थे तो वहाँ से शंख लाए थे, तो मैं जब पूजा करती थी तो मुझे शंख बजाने का मन किया, तो मैं दो तीन बजाई तो बहुत सारे लोग हैं सो मुझे मना कर दिए कि लड़कियाँ शंख नहीं बजाती है, तो ऐसा क्यों कि लड़कियाँ शंख नहीं बजा सकती, सिर्फ पुरुष ही बजा सकते हैं? कारण ये है कि शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं, लक्ष्मी जी के भाई। हाँ, और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। घर की लक्ष्मी बेटी होती है। हाँ। तो अपने भाई को क्यों बजाना? अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। दूसरा प्रश्न राजी जी कि मेरा ये कौन सा कर्म था कि मैं यहाँ वृंदावन आ गई, मेरे माता पिता अभी तक यहाँ आए नहीं और मैं यहाँ पहुँच गई, ये क्या मेरे कर्मों का फल था या मैं क्या मैं समझूँ इसे? इसे भगवान की कृपा मानिए कि कृपा हो गई आप पर विशेष, तो आपको बिहारी जी ने खींच लिया अपनी ओर। धन्यवाद राधा। और कल मैं निधिवन गई थी तो मैंने वहाँ सुना कि वहाँ रात में गोपियाँ नाच करती है और कृष्ण जी लीला करने आते, तो क्या ये बात सही है? हाँ, पूरी सही है। अच्छा, धन्यवाद राधा जी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जब मैं माला जप करता हूँ तो मुझे जवाही बहुत आती है। अभी हमें आ रही थी जब आप पूछ रहे थे, आपकी हमारी तरफ ट्रांसफर हो रही है, बहुत जवाही आती है मुझे। जवाही आने के कारण बहुत सारे होते हैं, पानी की कमी, थकावट, नींद पूरी ना होना, है ना, इसलिए जवाही आती है। और भगवान के जब मंदिर में जाते हैं अक्सर जमाइयाँ आती हैं, क्योंकि आलस्य आता है, वो आलस्य का प्रतीक है। करते रहिए भगवान का चिंतन, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। केवल ये जप करता हूँ जब उसी आने दीजिए, आने दीजिए जमाई, खूब जमाई लेते लेते जाप करिए, अपने आप एक दिन आप जीत जाएंगे, जमाई हार जाएगी। गुरु जी राधे राधे। बोलो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन दंडवत। खुश रहिए महाराज जी। मैं श्योपुर से आया हूँ, मैं आपकी कथा सन 2012 से सुन रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहले आप ये भजन गाते थे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। ठीक है। जब से मैं आपकी कथा से जुड़ा हूँ रोज आपकी कथा सुनता हूँ। यहाँ पे आने का मेरा मन काफ़ी दिनों से है, मगर मेरे पैरों में तकलीफ होने के कारण मैं आ नहीं पा रहा था। आज मन बना के आपके आश्रम में आया हूँ महाराज जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं यहाँ कुछ दान भी करने आया हूँ महाराज जी। खुश रहिए। नाम आप आचार्य जी को लिखा दीजिए। खुश रहिए। ठीक है महाराज जी।